Subscribe and press the bell icon for latest update. महिलाओं की सुंदरता में मेकअप अहम भूमिका निभाता है। हालांकि आपको अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। स्किन एक्सपर्ट्स की माने तो मेकअप इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन टाइप को कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट सूट करते हैं। दूसरी बात ये कि थोड़े समय बाद अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को एक्सपायर होते हुए देखने के बावजूद लोग इसे इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन को नुकसान भी हो सकता है, जिससे स्किन इन्फेक्शन या फिर कॉस्मेटिक एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा मेकअप प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा मेकअप प्रोडक्ट कितने दिनों में एक्सपायर हो जाता है। रोजाना मेकअप के लिए इस्तेमाल में ली जाने वाली लिपस्टिक के बारे में कुछ ही महिलाओं को ये पता होगा कि एक लिपस्टिक को एक साल से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। एक्सपायर हो चुकी लिपस्टिक लगाने से आपके होठों का कलर ब्लैक हो सकता है। इसके अलावा स्किन कॉम्प्लेक्शन को निखारने के लिए कंसीलर का यूज़ किया जाता है। इस प्रोडक्ट को आप एक साल या फिर उससे ज़्यादा समय के लिए भी चला सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की एलर्जी से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप एक साल में ही इसे फेंक दें। साथ ही लिप ग्लॉस को भी एक से डेढ़ साल के अंदर बदल देना चाहिए। और जेल आईलाइनर की अगर बात की जाए तो लाइनर को 3 से 4 महीने के बाद ही बदल देना चाहिए। तो वहीं पेंसिल आईलाइनर से कोई नुकसान आपकी स्किन को नहीं होता, इसीलिए इसे आप 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम में से कई लोग आँखों को खूबसूरत बनाने के लिए मस्कारे का इस्तेमाल करते हैं, और कई लोगों का तो मस्कारे के बिना आई मेकअप ही कंप्लीट नहीं होता। आपको बता दें कि मस्कारा 3 से 4 महीने के अंदर ख़राब हो जाता है, इसीलिए समय रहते इसे ज़रूर बदल लें। इसी तरह आपको बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी ख्याल रखना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट किस डेट पर एक्सपायर हो रहा है। क्योरिन हेल्डेक्स की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।